सुल्तान किस पद पे हो आप? मैं असम एडीसी का अध्यक्ष हूँ। कितने टाइम से हो? 2014 में बना है, लगभग 4 साल होने का। ठीक है, सामने देखो। तो आपने जो ये आरोप लगाए हैं रेंजर श्रीराम सैनी पे, ये काम के क्या है ये मामला बताओ आप। ये मामला ये है कि जो बिल बिल बने हैं काम का 2.5 लाख, ये पौना तीन और 3.5 करोड़ रुपए जो होते हैं, मुझे कोई मालूम नहीं पड़ी, इन्होंने सब झूठा साइन करके उठाया है। और अभी मुझे पता चला तो बैंक से स्टेटमेंट लेकर के मैं गया तो डीओ साहब ने बोला आप 5-7 दिन रुको या आपका हिसाब किताब हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया। आज डीओ को ने भी जवाब दे दिया जब मैं आपके पास आया। क्या है मतलब क्या होता है काम इसमें, किस तरह से काम करते हैं? कोई मालूम नहीं है, तो मुझे एक दिन साइड जाके दिखाया नहीं ये काम कर रहे हैं, कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। आपको लगता है पूरा फर्जीवाड़ा है? तो फर्जीवाड़ा दिख रहा है और क्या है, ये जो पेमेंट होता है ये बिलों के थ्रू पेमेंट होता है? हाँ, बिलों के थ्रू। बिलों पे आपने साइन किए कि नहीं किए? आपने किसी बिल पे साइन नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिलों पे साइन नहीं करने के बावजूद आपका अभी भुगतान कैसे उठ गया? फर्जी कर दिया साइन उन्होंने, सिर्फ पहले जब कमेटी बनी थी तब ऑफिस में मुझे बुलाया था और वो रेंजर था, क्या नाम, लाल चंद्र रेंजर था, उनके सामने मेरा साइन करवाया था, उसके बाद आज तक मेरे कोई साइन करवाई। आपने इसकी शिकायत किसको करी? इनको करिए, डीएफओ के पास सीधा गया। डीएफओ ने बताया 5-7 दिन रेंजर को बुलाया, एसएफओ को बुलाया, 5-7 दिन रुको आपका एक फैसला हो जाएगा, लेकिन 5-7-10 दिन हो गए कोई फैसला नहीं हुआ। आज डीएफओ ने बोल दिया था आपने ये कर दिया, आगे मुख्यमंत्री को शिकायत कर दिया, ये कर दिया। मैंने बोला मैंने किसी को नहीं किया है। कितने रुपयों का मामला रहता है? अब रुपया क्या, जो हिसाब मेरा है मुझे मिलना चाहिए, बाकी बनी गवर्नमेंट इनको दे दी, पूरा खा जाए।